हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है अगर आप पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो। सबसे पहले दोस्तों, आयोग को जो मेल कर पूछा गया सवाल था वो था कि सर SI में आयु सीमा क्या रहेगी। तो 197 पदों पर जो SI की भर्ती होने वाली है उन पदों के संबंध में चयन आयोग ने जो जवाब दिया वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आयोग ने बताया कि 28 फॉर जनरल कैटेगरी मेल, तो 28 साल दोस्तों इसमें उम्र रहने वाली है। तो दोस्तों SI के लिए तो आयु सीमा अभी फिलहाल 28 रहेगी, ये आयोग का जवाब आया है। अगला सवाल जो दोस्तों पूछा गया, सर पुलिस दरोगा में पहले फिजिकल होगा कि लिखित एग्जाम, बता दीजिए आपकी बहुत कृपा। तो दोस्तों आयोग ने जिसका जो जवाब दिया उसमें बताया उसने कि पहले फिजिकल होगा। तो दोस्तों इस बार SI की भर्ती में पहले फिजिकल होगा, उसके बाद रिटर्न होगा, ये आयोग ने बताया है। और दोस्तों फिजिकल होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसके अलावा अगर रिटर्न हो पहले तो उसमें भर्ती प्रक्रिया में कम समय लगता है। तो ये तो रहा दोस्तों फिजिकल को लेके। अब दोस्तों आयोग से पूछा गया कि SI को लेकर सिलेबस क्या रहेगा। तो आयोग ने कहा कि SI एग्जाम विल बी जस्ट लाइक ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, 100 मार्क्स जनरल पेपर। तो दोस्तों इस बार जैसे वीडियो लेवल का पेपर हुआ था उसी तरह का एग्जाम आपको SI की भर्ती में भी देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों जिनकी मैथ्स या रीजनिंग कमजोर है उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग अब SI के पेपर में नहीं आएगा। अब इसके अलावा दोस्तों पूछा गया कि प्रणाम महोदय, सर जो पुलिस उपनिरीक्षक और आरक्षी के पद निकले हैं उनमें आयु सीमा को लेकर बहुत बच्चे परेशान हैं। तो आयोग ने इसमें जो जवाब दिया वो भी देख लेते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी ने आयु सीमा बढ़ाने का मुद्दा मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया है। हालांकि गृह विभाग ने कुछ आदेश जारी किया है, यह आयोग के लिए अप्रासंगिक है, हमें गृह विभाग से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है कि यदि अगले कुछ दिनों में आयु सीमा बढ़ाने के लिए कोई प्रगति नहीं होती है तो सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए ऊपरी आयु सीमा के रूप में 22 के साथ विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों एक वर्ष की अभी आयु सीमा बढ़ेगी यानी कि 23 वर्ष रहेगी, बाकी महिलाओं के लिए 25 वर्ष रहेगी और SC ST OBC के लिए 5 साल की छूट रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, जिसमें अब आपको पता चल गया होगा कि SI में फिजिकल पहले होगा या रिटर्न पहले होगा, और कांस्टेबल की जो आयु सीमा रहेगी वो 22 ही रहेगी। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।